ये है कि जो जो लोग बोल रहे हैं वो सही है कि यहाँ सरपंच सही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, मीडिया सही है, मीडिया बिल्कुल सही बोल रही है। क्यों बोल ले रहे हैं? मैंने खुद दिया है, मेरे अकाउंट से पैसा गया हुआ है, मैं डिटेल दूंगा पूरी। अच्छा हाँ, जो मैंने आप डिटेल शेयर करोगे क्या सर? बिल्कुल करूंगा मैं शेयर। चलो शुक्रिया। एक्सपोज कर सकते हैं हमें भी आप सर? जो पहाड़ी मीडिया है उसकी ही जो कृपा है रियासी के अंदर, जिस दिन रेड पड़ी उसी दिन उन्होंने जो बिजनेसी की टीम भी मौके थी, जिन्होंने गाड़ियां सील की, उनकी रिपोर्टिंग भी आपने दिखाई, बाकी वाली मीडिया वाले भी रियासी में, वो कहाँ चले गए? उन्होंने क्यों नहीं लगाई? जो मानी माफिया का ग्रुप है जहाँ पे, उस मिलमी ऐसे हैं जो मीडिया में आए थे और उनके ऊपर पहले भी FIR है। ये जबरदस्त प्लानिंग चल रही है कि कुलवंत को किस तरह से खत्म किया जाए, बिल्कुल चिट्टा। और उनके अंदर जो उनके घर में शराब की भट्टियां चलती हैं, जो किया जाए उनके घर में, कहीं अगर अगर मेरी कोई पुलिस डिपार्टमेंट सुन रहा है, उनके घर में रेड डालिए, उनको देखिए कि वहां पे किस तरह के उनके घर के आसपास शराब की भट्टियां चल रही हैं और किस तरह से उन्होंने नशा करके हमारे खिलाफ इतना बोला है। इतनी इनकी साजिश चल रही है, गरीब जनता की आवाज उठाते हैं, जो सरकार की चीजें जिनको लूटा जा रहा है। और हिमना के अंदर ही आपको मैं बताऊं, कम से कम एक हिमना ब्लॉक के अंदर 8,000 गाड़ियां जो है एक्स्ट्रा उठाई गई है। तो जो हिमना ब्लॉक है वो लेते हैं 16 रुपए, जैसे मेरी गाड़ी को मांग रहे थे वो हमना, कितना मांग रहे थे? 6,500 रुपया। अच्छा, तो बनता तो कितना था सरकारी रेट हिसाब से? यही बनता है 3,100 रुपए बनता है। अच्छा, तो वो मांग रहे 6,500 रुपया, फिर मैंने खुद 5,500 दिया मैंने। अच्छा हाँ, नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, जो दर्शक हमारे नहीं भी हैं हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ में रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज चैनल को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये ताकत जब आपके पास आती है तो बड़े से बड़े मुद्दे में हम आपके सरकार तक पहुँचाते हैं और सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। ये आप मत सोचिए कि नहीं करती है, लेकिन कार्रवाई तभी करती है जब तक आप लोग कमेंट और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, आज का मुद्दे जो कुछ दिन पहले जो हुआ था माइनिंग को लेकर के रेड हुआ था, पुलिस और विजिलेंस का रेड हुआ था, उसके लिए लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं जो जानकारी लेते हैं कुलवंत जी से। कुलवंत जी इस वक्त हमारे फोन लाइन पे हैं और उनसे पता करते हैं कि आखिर क्या डीब्रीफिंग है। हेलो, अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस के अंदर। धन्यवाद जी। हाँ कुलवंत जी, बताएं क्या अपडेट्स हैं और क्या डीब्रीफिंग है जो पुलिस और विजिलेंस की रेड के बाद डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर माइनिंग की, अभी तक की क्या अपडेट्स हैं? सर, रियासी के अंदर जो माइनिंग के रिलेटेड हम लोग आवाज उठा रहे थे उसके ऊपर की जो आपकी इस टाइम की कार्रवाई है, हमने सुना है कि आज तक अभी तक की अभी तक का क्या है, लेटेस्ट क्या अपडेट्स है? जी जी, हमने सुना है कि कई माइनिंग के दो ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 28 और ब्लॉक नंबर शायद 15 चिनकाह में और एक ब्लॉक रियासी में, ये ब्लॉक सीज हो चुके हैं। हमने ये अभी तक की ये रिपोर्ट सुनी है, लेकिन ब्लॉक नंबर कितना है, हिमना में भी हो चुका है क्या? हाँ हाँ, ब्लॉक नंबर 28 जो हिमना वाला है। तो हिमना वाले में तो जो आपके सरपंच सावान साहब जी है तो वो तो छाती ठोके कह रहे थे कि सबसे अच्छी माइनिंग हो रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर, उनका कहना यह था कि बिल्कुल अच्छा रोड है, सब को जहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है। और ये मीना मांगते हैं, अभी ये मीना मांगते हैं, ये मीडिया वाले और ये वाले जो सोशल वर्कर जैसे आप जैसे के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। चलो जी, जो इल्जाम उन लोगों का जो जिस मीडिया के माध्यम से लगाया गया था, मैं तो ये भी चाहूंगा कि उसके ऊपर भी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रेड जो सरकार की तरफ से जहाँ की गई और उसमें जो लोग जुटे पाए गए, और आज भी वो लोग जो मीडिया के और जहाँ के लोकल जिनको कोई देखता भी नहीं, जिनका चैनल भी ऐसे ही फोन लेके घूमते रहते हैं और बार बार मैंने देखा एडिटिंग कर करके वो वीडियो डाल रहे, तो उनके ऊपर भी थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट की इतनी बड़ी रेड हुई आपने वो न्यूज क्यों नहीं लगाई? ये क्योंकि इन्होंने पहले 2 बार मेरी न्यूज ली थी और उनको न्यूज लेने के बाद उन्होंने डाली नहीं, क्योंकि वहां से उन्होंने कुछ ना कुछ ब्लॉक वाले लोगों का जहाँ पे चल रहा है, जैसे कि सर्वे साहब ने भी इतना बड़ा इल्जाम लगाया था कि बिल्कुल रोड ठीक है, कोई खड्डे नहीं है, माइनिंग बिल्कुल ठीक हो रही है, लीगली माइनिंग हो रही है बोला। बिल्कुल बिल्कुल, अब सरपंच साहब क्यों नहीं आते हैं मीडिया कैमरे के ऊपर, क्यों नहीं बताते हैं फैक्ट्स? क्यों सरपंच क्या मतलब, अभी तो आम आदमी हो गए, क्योंकि अभी तो सरपंच ही पावरे खत्म, अभी तो एक्स सरपंच कह सकते हैं।
नहीं, कुछ लोग मीडिया के माध्यम से बोल रहे थे उस दिन की हमें पूछने वाला कौन है, कोई सरपंच पूछे या कोई डीडीसी बीडीसी पूछे, ये कौन से मीडिया वाले आते हैं हमें पूछते हैं खड्डे क्यों जा निकाल रहे हो, क्या हमारा काम नहीं है, हमारी जो अपने देश की जो पैसा जो बर्बाद हो रहा था उसके लिए हम लोग आवाज नहीं उठा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी को राइट है कि अपना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग मीडिया में आए हैं वो सब कहीं ना कहीं माइनिंग ब्लॉक के अंदर मिले हुए हैं, चाहे उनकी मशीनें हैं चाहे वो ठेकेदार हैं, सब उन्हें मिली वक्ती थी तभी वो लोग सामने आए, उसके बाद जब रेड बढ़ी उसके बाद वो कहां घुस गए। नहीं, आप सारी मीडिया को नाम मत लो ना, मीडिया पहाड़ी एक्सप्रेस तो नहीं करता है भाई, आप पहाड़ी एक्सप्रेस को भी नाम एडिट मत करिए प्लीज। नहीं, कुछ मीडिया, मैंने नहीं बोला सभी मीडिया, रियासी के कुछ मीडिया ऐसे हैं जिन्होंने बस वीडियो पहाड़ी एक्सप्रेस का कभी देखा इन्वॉल्वमेंट आपने किसी को ठेकेदार से या किसी माइनिंग ब्लॉक के साथ या किसी को, अभी तक की कोई अपडेट है तो आप बता सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं हमें भी आप। सर, जो पहाड़ी मीडिया है उसकी ही जो कृपा है रियासी के अंदर, जिस दिन रेड पड़ी उसी दिन उन्होंने जो बिजनेस की टीम भी मौके थी जिन्होंने गाड़ियां सील की उनकी रिपोर्टिंग भी आपने दिखाई, बाकी वाली मीडिया वाले भी रियासी में वो कहाँ चले गए, उन्होंने क्यों नहीं लगाई। मैं आपको जो एक और बात कहना चाहूंगा कि जहाँ पे कल दो दिन पहले एक मीटिंग हुई जो मानी माफिया का ग्रुप है जहाँ पे, उस मीटिंग के अंदर कम से कम 10 लोग बैठे थे और उनमें से दो आदमी ऐसे हैं जो मीडिया में आए थे और उनके ऊपर पहले भी FIR है। इतनी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है कि कुलवंत को किस तरह से खत्म किया जाए, और उन्होंने कुछ नशे में जो लड़के रहते हैं जिन्होंने मेरे लिए बार बार बोला है इसको जेल में चिट्टा चिट्टा खाने वाले, वो क्या नशा जी, बिल्कुल चिट्टा, और उनके अंदर जो उनके घर में शराब की भट्टियां चलती हैं जो कुलवंत को अंदर किया जाए, उनके घर में कहीं अगर अगर मेरी कोई पुलिस डिपार्टमेंट सुन रहा है उनके घर में रेड डालिए, उनको ये देखिए कि वहां पे किस तरह के उनके घर के आसपास शराब की भट्टियां चल रही हैं और किस तरह से उन्होंने नशा करके हमारे खिलाफ इतना बोला है। मैं तो नहीं कहना चाहता था इतनी बात, लेकिन आज जो लोगों की गुप्त सूचना जो मेरे पास है उन्होंने कहा है कि जिस दिन कुलवंत अपने घर के लिए हिमना में जब आता है तो उधर थोड़ा सा जंगल है एरिया में, उधर दो तीन पहले भी इन्होंने इन लोगों की वजह से वहां पे अटैक हुआ। अभी इंफॉर्मेशन दे देना इन राइटिंग में तो मेरा लग रहा अच्छा लगेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास भी गुप्त सूचना ऐसी आ पहुंची है कि इनकी प्लानिंग ऐसी है इसके ऊपर कपड़ा डाला जाएगा। देखिए इतनी इतनी रिपोर्टिंग है मेरे पास कि जब वहां से घुसता है इसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाएगा, इसको गला घोट के मार दिया जाएगा, फिर फांसी लगा दिया जाएगा। इतनी इनकी साजिश चल रही है, उस भी SHO साहब ज्योतिपुर इंचार्जों को एक एप्लीकेशन दे दूंगा, लेकिन दो आदमी पहले किसी आदमी को उसी जंगल में पकड़ के मारा था उनके ऊपर भी FIR है। और थोड़ा मैं आपके माध्यम से जितने भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अगर हम लोग अगर गरीब जनता की आवाज उठाते हैं, जो सरकार की चीजें जिनको लूटा जा रहा है, और हिमना के अंदर ही आपको मैं बताऊं कम से कम एक हिमना ब्लॉक के अंदर 8,000 गाड़ियां जो है एक्स्ट्रा उठाई गई है जो क्वांटिटी के बाहर, आप हिसाब लगा लीजिए कितना चूना जो सरकार को लगाया है, हर ब्लॉक के अंदर 3,000 से प्लस गाड़ियां हर सीजन में जो इलीगल उठाई जाती है। तो मेरा यही आपके माध्यम से यही अनुरोध रहेगा कि जरूर इसके ऊपर थोड़ी सी जो सरकार के तरफ से रेड की गई है वो तो खुद अपना काम करेंगे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रियासी के अंदर जो गुंडा करती थी घोटाले थे उसके ऊपर कुछ नजर डाली है। चलिए नेक्स्ट और भी कहीं रेड होने वाले हैं तो ये सोर्सेज कह रहे हैं, तो नेक्स्ट में क्या कहेंगे कि आपको कोई जानकारी है कि नेक्स्ट रेड कहाँ होने वाले हैं? सर इसके लिए सरकार का काम है, मुझे थोड़ी पता होगा कि रेड नहीं, नहीं, देखो, कब रेड हमारे मीडिया के जो सोर्सेज रहता है तो हमें बीच में आ जाता है, लेकिन हम उन लोगों को आगाह करने चाहते हैं कि जो जितनी भी चाहे वो किसी प्रकार के भी स्कैम है रियासी डिस्ट्रिक्ट में उनको भी अगर जल्दी गाज गिरने वाली है, ये हमारे सोर्सेज कह रहे हैं। गिरती नहीं गिरती वो सरकार की मर्जी है, पर जो बैकडोर हमारे सोर्सेज रहते हैं वो जो कह रहे हैं कि और भी कई जगह गाज गिरने वाली है। चलिए शुक्रिया शुक्रिया जनाब शुक्रिया। हमने भी ये सुना है कि जो लोग मिले हैं जिन जिन लोगों का माइनिंग के बीच में हाथ है, हमने भी सुना है कि शायद उनके घर में भी ताले लगने वाले हैं, इतनी हमें भी सूचना मिली। चलिए शुक्रिया, चलो देखते रहिए कि सरकार का कहाँ कहाँ अटैक और कहाँ कहाँ होता है और किस तरह से रेड्स होते हैं,
चलो हम भी देखते रहेंगे और आप जनता भी देखती रहेगी कि कहाँ पे, और हम इस तरह से कवरेज करते रहेंगे और जनता तक न्यूज़ पहुँचाते रहेंगे और खबर पहुँचाते रहेंगे। अब जनता का काम है आगे। चलो शुक्रिया शुक्रिया, ओके। तो हाँ जी जगदेव जी, जी जी हार्दिक अभिनंदन है भाई पहाड़ी एक्सप्रेस में आपका। कहाँ पे हो? मैं इधर ही हूँ यार, आपके दिल में हूँ। बताओ कि जो आपके मायने के लिए आपने कॉल किया था कि बातचीत करेंगे, और मैं सच बताऊंगा कि क्या सच है, थोड़ा सा बताओ प्लीज। सर मैं थोड़ा इधर बैठा हूँ, बाद में करता हूँ कॉल आपको। नहीं देखिए देखिए, ये चीज हमें पहले ही हमारे सोर्स कह रहे थे कि जगदेव जो शाम को जब होता है अपने मूड पे तो सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब दिन में उसको आप कल लाइन में लोगे तो वो मुकर जाएगा, तो आपने वो दिखा दिया। थोड़ा बाहर बैठा हूँ, आप दिखा बता। नहीं, सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मुकर गए आप मुकर गए हैं, और ये आप ऑनलाइन में चल रहे हैं, आप चैनल जो मेरे पास सच है। नहीं, चैनल के ऑनलाइन में चल रहे हैं, ये बता रहा हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप ये मैंने कॉल दूसरे इसीलिए किया है कि जगदेव को लोगे तो शाम को तो बोलेगा कि मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा माइनिंग को, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कहाँ कहाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, लेकिन जब दिन में आप कॉल करोगे तो वो खिसक जाएगा। तो आपने दिखा दिया, आप बैठ के देता हूँ ना, अभी मैं कहीं चल रहा हूँ ना। नहीं नहीं, बता दीजिए आप जो चीज आपने परसों नरसों बताया था वो बता दीजिए कि क्या हो गया, क्या आपके साथ क्या कर रहे हैं माइनिंग वाले। इस टाइम में थोड़ा चल रहा हूँ ना कहीं। नहीं कोई बात नहीं, चलते चलते मुंह थोड़ी चल रहा है, मुंह तो बाहर से बोलना है। बता दीजिए दो शब्द, कहाँ कहाँ क्या क्या आपको, क्या आप मिल गए हो, क्या आप भी मिल गए हो उन माइनिंग वालों के साथ? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मिल गए हो, मिल गए। क्या आपको भी धमकी आ रही, क्या डरा रहा है कोई, क्या फौजी बंदा मिलता है कभी सर? तो मेरे को तो लग रहा है कि फौजी अभी डरता नहीं, लेकिन आप डर गए। आप उस दिन जो शाम को बता रहे थे, बताओ ना ऑन कैमरा वो इस वक्त, आप बताओ, आपको मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं फौजी बंदा कभी बिकता है, पता है आपको? नहीं बिकता है तो फिर बताओ ना उस दिन जो शाम को जो शब्द बता रहे, मुझे अभी रात को आपने 10 बार मुझे कॉल किया, मैं बोला यार सवेरे कॉल सवेरे करेंगे कुछ, मुझे तो पता था लेकिन मैं सवेरे करूंगा, तो आप सवेरे आज वो तो टाइम नहीं मिला, आज टाइम मिला। आप बताओगे कौन आपसे पैसे ज्यादा लिया था, क्या क्या करते हैं माइनिंग वाले, वो थोड़ा सा एक्सपोज करे, क्योंकि गाड़ियां डंपर सुना मैंने आपकी भी बहुत जा रही है, 2-3 डंपर है। जी जी, 2-3 डंपर है, जब तक डंपर वाले सामने नहीं आएंगे तो गाड़िया वाले ड्राइवरों की चीजें होती रहेंगी। गाड़ी आप मालिक सामने आए कि क्या हो रहा है आप लोगों के साथ, कौन इलीगल माइनिंग, कौन पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है, क्या कर रहा है कोई? नहीं, वो तो आपको पता ही है जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। नहीं पता, मुझे क्या पता, जनता को बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ, सरकार को बताओ, जो ऑन कैमरा चल रहे हो आप, ऑन कैमरा फोन लाइन पे चल रहे हो आप। जी जी बताओ, बताओ ना जो उधर शाम को बताया था, कौन था, कितना पैसा आपसे एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, बताओ तो सही भाई बताओ। ये आपकी बाद में मत बोलिएगा, आपकी ये वीडियो तो चलेगी, ये बात सच बता दीजिए, जो आप शाम परसों नरसों बता रहे थे, 4 बार कॉल किया मेरे मुझे आपने जिस दिन सीज हुई गाड़ियां। जी जी आप बताओ ना, क्या कौन आपसे आपके साथ की कौन पैसा एक्स्ट्रा लिया? नहीं, मैं सच तो बताओ सच। देखो पहाड़ी एक्सप्रेस कभी भी डिप्लोमेटिक नहीं बात करता है, ना कभी किसी चीज़ को छुपाता है, शरेआम हम लोगों ने लाइव दिखाया था, और मैंने बोला था कि मैं आपको सवेरे इसका वीडियो ऑन फोन पे लूंगा, क्योंकि मुझे अभी समय नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो बता दीजिए यार कौन आपसे कितना पैसा एक्स्ट्रा ले लिया था, उसने बताया था शाम को रात को, तो मैंने आपको बार बार, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ किसी की, ये नोट रखिए, जब भी बोलता हूँ तो ऑन कैमरा ही बोलता हूँ, ऑन कैमरा लाइन चैनल के ही मैं बात करता हूँ। वो तो पता है मुझे। हाँ हाँ, मैं थोड़ा चल रहा हूँ, मैं थोड़ा बैठ के फिर मैं अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता और रिकॉर्डिंग लगाता, वो भी गलत होती है, वो पैसे नहीं कर सकते हैं। तो वो तो मैंने रिकॉर्डिंग तो किया नहीं, तो अभी आपको सच पूछ रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप डर रहे हो। नहीं डरता नहीं मुझे, अगर आप डरोगे तो माइनिंग के मैं ये हाल चलता रहेगा भाई। अभी तो थोड़ा 7,000 बोला था उस दिन आपने शाम को, 7 के क्या है कि आप 10-10 भी देना पड़ेगा गाड़ी का। नहीं वो तो दे रहे हैं, गरीब लोग दे रहे हैं बेचारे, वो ले रहे हैं। हाँ तो दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे, किस तो बेनिफिट आपको हो रहा है, क्या आपको डुप्लीकेट पर्चियां मिल रही है कि आपको उसको आधा पैसा दे रहे हो आधा नहीं दे रहे हो? नहीं वो तो बात है, पर्चियां तो मैंने वो डुप्लीकेट काट रहे थे, अगर हमारे ड्राइवर लेते हैं तो बोलते हैं ये पर्ची काटी हमें ले लो भाई। नहीं जगदेव जी, मैं एक सीधी बात, मेरे को पूरा कोई लीडर बीजेपी के मुझे कॉल कर रहे थे कि आप ड्राइवर को क्यों गुनाह काट रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं कि मैं बोला कि मैं हम तो पागल नहीं है कि ड्राइवर को हम क्यों बोलेंगे भाई, जब पुलिस ड्राइवर को गलत ठहरा रही है, अगर विजिलेंस पुलिस को गलत ठहरा रही है तो मालिक भी गलत तो है ही है कहीं ना कहीं, तो आखिरकार गाड़ियां तो ड्राइवर ही गाड़ियां सीज होंगी, ड्राइवर सीज होंगे, ड्राइवर के पास कार्रवाई खिलाफ होगी, तो कोई गलत करेगा नहीं, हर एक चीज ड्राइवर को जानकारी होती है कि कौन कहां पे गलत हो रहा है, ये चीज मानते हो कि नहीं मानते हो आप?
बिल्कुल सही बात है। हर चीज के ड्राइवर को पता होती है कि कहाँ डुप्लीकेट पर्ची हो रही, कहाँ एक्स्ट्रा पैसा लिया। अगर 8 रुपये रेट है तो 16 रुपये रेट क्यों लिया जा रहा है? अगर आप लोग जो गाड़ियों के ओनर है आप नहीं बोलोगे तो क्या ड्राइवरों की इस तरह से गाड़ियां सीज करवाते रहोगे आप लोग? नहीं, ड्राइवरों की क्या गलती है सर उसमें, मुझे बताओ। ड्राइवर की कुछ गलती नहीं है। ड्राइवर की गलती क्यों नहीं है? ड्राइवर पता है तो ड्राइवर क्यों लेते हैं फेक पर्ची, क्यों लेते हैं और 8 रुपये 16 रुपये क्यों देते हैं? वहाँ अकड़ जाए, वहाँ मीडिया को कॉल करें, वहाँ मीडिया पहुंच जाएगा, देखते हैं कि कौन कौन वाला ऐसा माइनी ब्लॉक वाला है कि जिसके जो गुंडे जिसने जिसने पाल रखे तो अटैक करे पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं शरेआम कहता हूँ करो अटैक हमारे पे, करो अटैक। नहीं मेरी बात सुनो ना, अभी जैसे ये माइनिंग वाले हैं धंधे तो ये कर रहे हैं ना दो नंबर, अभी ड्राइवर को क्या गलती है? जैसे ड्राइवर जाते हैं, हम जा रहे हैं, जैसे मेरी मान लो मेरी गाड़ियां है, मैं तो गाड़ियां माइनिंग के लिए भेजूंगा। जैसे अभी हमें भी किस्तें देनी है बैंक में, तो हम जैसे उधर भेजेंगे तो वो तो जैसे वो पर्ची देंगे, अभी ड्राइवर को क्या पता है अनलीगल पर्ची है जहाँ लीगल है, तो जाकर लाएंगे उधर से। तो आगे आगे जैसे RTO होता है ये वगैरह अपना DMO वगैरह उनकी गाड़ियां सीज करते, वो गलत है ना? नहीं आपको नहीं पता, अगर 300 फुट का रेता ले जा रहे हो तो 8 के 1600 रुपये पर्ची और लेबर डिपार्ट 2400 बनता है, तो आप तो 4000 6000 दे रहे, तो वो गलती ड्राइवर का हाथ से नहीं जा रहा पैसा, वो पैसा तो मालिक देते हैं ना ड्राइवर को, या ड्राइवर जेब से देता है पैसे क्या? नहीं मेरी बात सुनो, जैसे वहाँ गाड़ी जाती है वो गाड़ी जब गाड़ी भरते हैं उसके बाद अगर उनको इतने पैसे नहीं दे तो गाड़ी नहीं छोड़ते उधर से वो, जैसे उन्होंने रखा हुआ है 16 रुपये फुट, तो गवर्नमेंट का रेट है 7 रुपए, 7 रुपए कुछ पैसे है ना, तो जो हिमना बुला के बोल लेते हैं 16 रुपए। जैसे मेरी गाड़ी को मांग रहे थे वो अपना 6500 रुपया। अच्छा तो बनता कितना था सरकारी रेट हिसाब से? जी जी सरकारी रेट से कितना बनता था? सरकारी रेट से यही बनता है 3100 रुपए बनता है। अच्छा तो वो मांग रहे 6500 रुपया, फिर मैंने खुद 5500 दिया मैंने। अच्छा हाँ तो देखिए 5500 आपने दिया है, तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा वहाँ का जो एक्स सरपंच है जी जी, तो वहाँ पे क्या बोल रहा था, आपने वीडियो देखा होगा कि वहाँ तो इलीगल कुछ हो ही नहीं रहा है, ये लोग मीना लेने के लिए मीडिया वाले तो कुछ जो लीडर लोग चाह रहे हैं, तो क्या अभी पता लग गया है कि मीडिया सही है कि जो लोग बोल रहे हैं वो सही है कि यहाँ सरपंच सही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं मीडिया सही है, मीडिया बिल्कुल सही बोल रही है, क्यों बोल ले रहे हैं? मैंने खुद दिया है, मेरे कौन से पैसा गया हुआ है मैं डिटेल दूंगा पूरी। अच्छा हाँ जो मैंने आप डिटेल आप डिटेल शेयर करोगे क्या सर? बिल्कुल करूंगा मैं शेयर। चलो शुक्रिया शुक्रिया, पहली बार ऐसे ओनर हमारे को JCP डंपरों का मालिक ओनर मिला है कि जो ये बात कहने को आया, थैंक यू सो मच, थैंक्स। नहीं मैं एक बात और कहता हूँ ना। हाँ बताओ। जो वहाँ पे माइनिंग वाले बैठे हुए अगर उनको हम पूछते हैं बात करो, हमारे वो मतलब फोन पे बात नहीं करते हैं, बोला अगर गाड़ी लेनी है तो जो इतने पैसे दे दो, नहीं तो गाड़ी खाली करो इधर से चला जाओ। वाह 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 वाह, क्या रूल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या DMO साहब को कभी आपने रिपोर्ट किया? एक कमेटी होती है माइनिंग की, क्या उनको रिपोर्ट किया? तहसीलदार को आप लोगों ने कभी किया फोन? सर मेरी बात सो, कितनी रिपोर्टें करें, पूरी दुनिया रिपोर्ट करे, DMO साहब को कर रहे हैं, तहसीलदार साहब को कर रहे हैं कि उधर अनलीगल माइनिंग हो रही है, इतना रेट ले रहे हैं, उधर कोई एक्शन नहीं करता है। चलिए शुक्रिया, ये भी बहुत ये देशभक्ति वाली बात बताया आपने ये। नहीं सर हम तो बताएंगे जो हमें किया हुआ जैसे कर रहे हैं तो हम बताएंगे, जो गरीब लोग भी जा रहे जो एक डैम्पर 7000 का बांह भरते हैं, 7000 बांह लेंगे फिर किराया देंगे तो कितना वो कैसे काम करेगा घर का, कैसे मकान बनाएंगे वो। चलिए शुक्रिया शुक्रिया जगदेव साहब, आपने रियली यार देशभक्ति की बात कह दिया, पर कहा बड़ी मुश्किल से, धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगे अंत में, कहना चाहेंगे किसी को, मैसेज देना चाहोगे देशभक्ति का? नहीं, बाकी वाले ओनरों को, बाकी वाले ड्राइवरों को, और ड्राइवरों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं हम ड्राइवरों को यही कहना चाहते हैं कि अगर तो ड्राइवरों को और अपना सबको यही कि अगर वो पैसे ज्यादा मांगते हैं पैसे मत हो, जहाँ मीडिया वाले को बुलाओ, जहाँ तहसीलदार साहब है, जहाँ DMO साहब उनको फोन करोगे भाई इतना पैसा मांग रहे हैं। चलिए शुक्रिया शुक्रिया, ओके थैंक यू। ये ड्राइवरों को लिए संदेश जगदेव जी ने दे दिया कि अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे माइनिंग वाला मांगता है तो बहुत सारी कमेटियां हैं और बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं और उनको कॉल करें, अगर वहां पे वो भी नहीं बनते हैं, अगर DMO नहीं सुनता है, तहसीलदार साहब नहीं सुनते हैं, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनता है, तो एटलीस्ट कम से कम आप वहां के एक वीडियो बना लीजिए और मीडिया को शेयर करिए, मीडिया को कॉल कर दीजिए, और हम अपने लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे और पहाड़ी मीडिया हमेशा आप लोगों की आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन से पहुँचाता रहेगा और आप लोगों को
इस चीज़ की अवगत कराते रहेंगे। चलिए कैमरामैन के साथ मुझे दें इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।